सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रू कॉलर पे अगर आपका पर्सनल नंबर है, अगर वो स्पैम में पड़ गया है, तो स्पैम को रिमूव कैसे करें। ओके, अगर आपका प्रॉब्लम ये है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है, राइट। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपके दोस्तों का भी सेम प्रॉब्लम है तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर करो, सो दैट उनका ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो सके, ठीक है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपसे मैं निवेदन करना पसंद करूँगा कि इस चैनल को सपोर्ट करो, राइट, लाइक भी कर दो वीडियोस एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लेकिन जिसको ज़रूरत हो उसको ही। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट, राइट। मैं अब देखो, यहाँ पे ट्रू कॉलर है ऐप, यहाँ पे मैं आ गया, राइट। अब यहाँ पे कई सारे स्पैम आपको दिखाई देते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि स्पैम है नहीं है, राइट। तो ऐसे जब आपका शो होने लग जाए, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पे 12 स्पैम दिखा रहा है, राइट। एक है मेरा फ्रेंड है, तो अब यहाँ पे इसके 12 स्पैम रिपोर्ट्स दिखाने लगे, जबकि इसका पर्सनल नंबर है, राइट। जॉब करते हो या इस तरीके से करते हो ना, तो एक तो सिचुएशन है, आपको ये करना है, इस पर नॉट स्पैम पे क्लिक कर दो आप, राइट। फर्स्ट थिंग कि अपने से ही पहले नॉट पे क्लिक कर दो, राइट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देख रहे हो कॉल एक्टिविटीज़ की आई है कि 647 कॉल किया लास्ट 60 डेज में, सो 20% की रिपोर्टिंग हुई है स्पैम, राइट। सो ट्रू कॉलर के पास A to Z रिपोर्ट रहते हैं, तो पहला आपने क्या करना है कि एक अपने से ही नॉट स्पैम कर देना है, राइट। अब दूसरा क्या करना है कि जिससे भी वो नंबर का आपने ट्रू कॉलर बनाया होगा, राइट, अब आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद अब आपको क्या करना है, राइट, अब प्राइवेसी सेंटर में आ जाना है। प्राइवेसी सेंटर में आने के बाद आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करके क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये यस पे आप क्लिक कर दोगे तो इससे क्या हुआ कि अब ट्रू कॉलर के पास जो आपका डेटा था वो डिलीट हो गया, मतलब तुरंत डिलीट नहीं होगा, ये 48 आवर लेता डिलीट करने के लिए, राइट। यहाँ से आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है। एंड सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे इसके वेबसाइट पे भी आना है, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप है, यहाँ पे भी आके क्या करना है आपको, पहले लॉगिन करना है अपने सेलफोन से, ठीक है, साइन इन करना है। ओके, आप साइन इन कर सकते हो कहीं से भी, इस तरीके से। एंड यहाँ से भी आप वो नंबर सर्च आउट करके, राइट, उसको नॉट स्पैम करके यहाँ से भी डीएक्टिवेट कर दोगे। सो ये दो सिचुएशन है, सॉरी तीन सिचुएशन। पहले खुद ने आपको स्पैम हटाना है, राइट। दूसरा आपको क्या करना है कि खुद से यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देना अपना अकाउंट, और तीसरा ये वेबसाइट पे आके ये चीज़ कर लेंगे। ये चीज़ करोगे और आप देखोगे कि विद इन 48 आवर आपका जो स्पैम है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। एक इसका मैं नॉर्मल लॉजिक भी आपको समझाता हूँ क्या होता है कि अगर हम लॉजिक वाइज देखें तो इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है कि अब ये कंपनी के पास आपका डेटा ही नहीं है, राइट। नॉर्मल पॉलिसी के हिसाब से उसको हटाना ही, वो हट भी जाएगा। सो अब जब डेटा ही नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि स्पैम हुआ क्या हुआ, राइट। सो ये सिचुएशन है ना, उसके पास आपका नाम है ना नंबर है, तो अनफॉर्चुनेटली वो स्पैम भी हट जाते हैं, राइट, और फिर से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मीनफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जिसको ज़रूरत है उसको ही शेयर करो आप, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।